हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना। क्या हो गई? आई एम सॉरी सर, लेकिन आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। अरे भाई, लेकिन क्यों गुस्से में हो? मेरी वाइफ ने मुझे बिना वजह डांट दिया। ये तो फ्रेडी बहुत बुरा हुआ। अरे सर, सिर्फ दो बर्तन बचे थे जिसे मैंने नहीं धोया था, ऐसी फटकार लगाई, कल पुर्जे हिल गए मेरे। अरे फ्रेडी, ये तो बहुत बुरा हुआ। सिर्फ दो बर्तन बचे थे और इतनी फटकार लगाई। लेकिन तुम अब करोगे क्या? मैंने अपनी वाइफ को वाइफ को नहीं, नहीं, मैंने अपनी बाइक को बाइक तोड़ दी। क्या तोड़ दिया? फ्रेडी ने अपनी बाइक तोड़ दी सर। क्या? नहीं सर, मैंने अपनी बाइक को हाथ तक नहीं लगाया, मैं तो गुस्से से ही सीधे यहाँ तक दौड़ता चला आया। सर, सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। सर, सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। सर, सर मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ बताइए। सर मेरे पति सुहान, सब क्या क्या किया उन्होंने? नहीं सर, मेरे पति ने कुछ नहीं किया। दरअसल उन्हें उन्हें अगवा कर लिया गया है सर। सर, सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सर, प्लीज जल्दी कुछ कीजिए, वो लोग मेरे पति को मार देंगे। ठीक मिनट, शांत हो जाइए। अब बताइए, आपको कैसे पता चला आपके पति को अगवा कर लिया गया? सर, इसकी वजह से। क्या है? अरे ये तो आंख है, पत्थर की आंख। सर मेरे पति की भी एक आंख पत्थर की ही है। क्या? सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज सर, इससे पहले कि वो लोग मेरे पति को कुछ करे, प्लीज सर आप मेरी मदद कीजिए, बचा लीजिए उन्हें सर। प्लीज अब देखिए, ये बताइए कि आपको कोई फोन वगैरह आया था ये बताने के लिए कि सुहान को क्यों अगवा किया गया? फोन तो नहीं, पर ये लेटर आया था, इसमें किसी अंगूठी के बारे में लिखा है, कोई अंगूठी चाहिए उन्हें। अगर अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो तो वो अंगूठी लेकर रॉक फॉल आ जाओ, वरना तुम्हें तुम्हारे पति की लाश भी नहीं मिलेगी। कैसी अंगूठी की बात कर रही है? कौन सी अंगूठी? कौन सी अंगूठी, कैसी अंगूठी, मुझे कुछ नहीं पता। आपके पति को कब अगवा किया? सर मेरे पति 2 दिन पहले दिल्ली के लिए निकले थे अपनी किसी बिजनेस के काम से, और कल दोपहर में मेरी उनसे फोन पे बात हुई, तब तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद से उनका फोन नहीं लग रहा है। देखिए घबराइए मत, आपके पति को हम सही सलामत वापस लेकर आएंगे। अगर आपको एतराज न हो तो हम आपके घर की तलाशी लेना चाहेंगे, हो सके तो आपके बैंक का लॉकर भी, अगर कोई सुराग मिले तो इस अंगूठी के सिलसिले में। इस सुहान का फोन ट्रेस करो, देखो कहां पर है। दीपिका जी, सेल फोन के मुताबिक सुहान सतारा में। फिर उन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला कि वो दिल्ली में है? पता नहीं सर, सुहान ने तो कभी मुझसे कोई झूठ नहीं बोला, कभी कोई झूठा मजाक भी नहीं किया,
इस बार ऐसा क्यों किया मुझे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको मालूम हो या ना हो, लेकिन जिन लोगों ने सुहान को किडनैप किया है उन्हें मालूम था कि सुहान सातारा में है। लेकिन सर, किसी को पता कैसे चला होगा? क्योंकि सुहान ने तो अपनी पत्नी से भी सच्चाई छुपा रखी थी। शायद किसी ने नजर रखी होगी सुहान पे। दीपिका जी, ये बताइए कि सुहान फोन पे कैसे बात कर रहे थे? मेरा मतलब है, बात करते समय उनका हाव भाव कैसे थे? नहीं सर, फोन पे तो एकदम नॉर्मली लग रहे थे। इनफैक्ट मेरी उनसे ज्यादा देर बात हो भी नहीं पा रही थी। बार बार बिजी हो कह के फोन रख देते थे। पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी थी सुहान की जो उसने इनसे भी झूठ बोला। सर प्लीज, आप मेरे पति को बचा लीजिए। सर मुझे बहुत टेंशन हो रही है, आप प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। आप चिंता मत कीजिए, हम पता कर लेंगे। लेकिन हमें वो अंगूठी चाहिए। उस अंगूठी के जरिए शायद हम उस मुजरिम तक पहुंच सकते हैं। आप रेडी? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। ओके। क्या हुआ? रेडी कह रहा है कि उसने दीपिका का घर और इनके सारे बैंक लॉकर वगैरह चेक किए हैं, वो अंगूठी तो नहीं मिल रही। समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या है उस अंगूठी में जिसके लिए सुहान को अगवा किया गया और दो दिन तक सुहान अपनी पत्नी से झूठ बोलते रहे। मिस्ट्री तो है दे। फिलहाल अभी उनके सेलफोन की लास्ट लोकेशन पर चलते हैं, उस डैम पे। शायद वहां कोई सुराग मिल जाए। काफी सुनसान जगह है, यहाँ पे सुहान क्यों आया होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ आसपास कोई आदमी भी दिख नहीं रहा जिससे कुछ पूछा जाए। आसपास देखो, कोई सुराग मिलता है क्या? आप ही रुके। सर, इधर तो कोई भी सुराग जैसी चीज नहीं दिख रही है। जो नहीं दिख रहा है पंकज, उसी में कुछ देख लेना, हमारी ड्यूटी है। चलो ढूंढो जरा। जो दिखता नहीं है उसे देखना है, तभी मैं अच्छा सीआईडी ऑफिसर बनूंगा। जो दिखता नहीं है उसे देखना है, तभी मैं अच्छा सीआईडी ऑफिसर बनूंगा। श्रेया, कुछ मिला क्या? नहीं सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। सर, एक जूता मिला है, देखो जरा आसपास दूसरा जूता है क्या? नहीं, नहीं।
ये एक जूता मिला है यहाँ पे, 10 नंबर का जूता है। दीपिका से पूछते हैं। दीपिका जी, क्या ये जूता सुहान का है, 10 नंबर का है? सुहान, ये तो सर सुहान, सुहान भी यही ब्रांड पहनते थे और उन्हें भी 10 नंबर का जूता ही लगता था। दीपिका प्लीज चुप हो जाए। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सर, आप प्लीज जल्दी कुछ कीजिए, उन्हें कुछ होने मत दीजिए प्लीज सर, उन्हें ढूंढ लीजिए सर, उन्हें ढूंढ लीजिए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। आप काफी लंबा सफर तय करके आई हैं, आप काफी थक गए होंगे, उनको ले जाओ इन्हें और पास में किसी होटल में इनके ठहरने का इंतजाम करो। आइए सर, मैं यही रुकूंगी। हम लोग देखते हैं। सर सर प्लीज आप सवार को ढूंढ लीजिए। चलिए एक बात तो पक्की है बॉस, जो कुछ भी हुआ है सुहान के साथ वो यही आसपास हुआ है। यही अगवा किया गया होगा सुहान को, किसी ने तो देखा होगा उसे। पर सर किसने किसने देखा होगा उसे? सुहान अगर यहाँ 2 दिन से है तो कहीं ना कहीं तो रुका होगा किसी होटल या लॉज में। एक काम करते हैं दया, इस डैम की देखभाल कोई ना कोई तो करता होगा, तुम उससे मिल लो, तब तक हम लोग सारे होटल छान मारते हैं। जी ये आदमी यहाँ पे रह रहा है क्या? नहीं सर। नहीं ठीक है। अरे सर आप यहाँ पर रुके कहाँ हैं? नहीं फिलहाल तो नहीं। अरे सर 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 आप रुकिए यहाँ पे, कमरे तो देखिए हमारे, एसी देखिए, बेड देखिए, टीवी देखिए, बढ़िया सुविधा है सर, बढ़िया है। तुमको मुफ्त की भैंस चाहिए? 40 लीटर दूध देगी, खाना पीना बाकी का भेज देना, दूध मुफ्त की भैंस। नहीं सर जरूरत नहीं है सर। जरूरत नहीं है ना, मुझे भी रूम की जरूरत नहीं है, हम लोग सीआईडी वाले हैं। अच्छा सीआईडी से हैं आप? यहाँ पर सोने के लिए नहीं आए, यहाँ पे पार्टी करने नहीं आए, काम करने आए, यहाँ पे आदमी को ढूंढना है, गर्मी है सतारा में, दिमाग खराब है। सॉरी सर, सर सर सीधे सीधे जाइए लेफ्ट में। सर आपको कोई कमरा नहीं दे सकता, होटल फुल है सर। नहीं कमरा नहीं चाहिए, आप बाप जरा ये इस आदमी को देखा पहले कभी? ये तो सुहान सर हैं, लेकिन सर ये अपने कमरे में नहीं है। थैंक गॉड, पता तो चला। ये कमरे में नहीं तो कहाँ है, कहाँ गए? सर कल दोपहर को गए, अब तक चेकआउट नहीं किया है उन्होंने। अच्छा हमें उनका कमरा देखना है। सर मैं दूसरे का कमरा आपको कैसे दिखा सकता हूँ? देखो हम सीआईडी से हैं, अर्जेंट है, चाबी दो। अब सीआईडी सर कुछ ठंडा मंगवाऊं? चाबी। जी सर। पंकज ऊपर जा कमरा चेक कर लो। इस सुहान से मिलने कोई आया था, कोई फोन होना आया था? एक आदमी मिलने आया था। कौन कौन था वो? सर मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ सर उसकी बाई आंख पर पैच लगा हुआ था। बाई आंख पे पैच? जी हाँ। फिर वो सुहान मिला उससे? सर मैंने सुहान सर के रूम में फोन करके उन्हें बताया कि कोई उनसे मिलने आया है, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि वो किसी से मिलना नहीं चाहते। फिर क्या हुआ? फिर उस आदमी ने मेरे हाथ से फोन लिया और सख्त लहजे में सुहान जी को रिसेप्शन पर आने के लिए बोला। फिर वो नीचे आए? जी दोनों एक साथ चले गए, तब से वो आए नहीं है। अच्छा उस आदमी का स्केच बनवा सकते हो? जी सर। सर सर पूरा कमरा चेक किया, कमरे में कुछ भी नहीं है सर, और वो रिंग भी नहीं मिली। रिंग भी नहीं है? निखिल को फोन करो, पता करो डैम में कुछ मिला क्या, और उस आदमी का स्केच बनवाओ जिसके साथ सुहान निकला है। ठीक है पंकज। नहीं अभी यहाँ कुछ पता नहीं चला, मैं फोन करता हूँ। क्या बताया पंकज? सर सुहान जिस होटल में ठहरा था
सोल का पता चल गया है सर। लेकिन सुहान शाम को एक आदमी के साथ बाहर गया, फिर लौटा ही नहीं। कौन था वो आदमी, कुछ पता चला? नहीं सर, मैनेजर उसका स्केच बनवा रहा है। लेकिन सर मैनेजर ने ये भी बताया कि उसने अपनी एक आंख में ब्लैक पैच लगा रखा था। ब्लैक पैच? सर, सर अब तक तो कोई दिख ही नहीं रहा है, हम पूछताछ किससे करेंगे? सबर का फल मीठा होता है हमेशा, वो देखो। चलो इन्हीं से पूछ लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आप लोगों से कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए। ये हम लोग CID से, हम लोग इस आदमी को ढूंढ रहे हैं। आप लोगों ने इसे यहाँ देखा था कल? नो सर। अच्छा, आप लोग यहाँ पे हर रोज आते हैं? हाँ सर, रोज आते हैं इसी टाइम। ये डैम के पंपिंग मशीन की देखभाल करने की जिम्मेवारी हमारी है। ओ, तो कल दोपहर के बाद आप लोगों ने किसी आदमी को देखा था यहाँ पे? हाँ सर, कल यहाँ पे एक आदमी किसी का इंतजार कर रहा था। कौन था वो आदमी, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? नहीं सर, बात तो नहीं हो पाई इसलिए नाम वगैरह तो नहीं बता सकता। हाँ सर, मगर वो टैक्सी ड्राइवर जरूर था। ये आप कैसे कह सकते हैं? सर वो पीली और काली रंग की जीप टैक्सी के ड्राइविंग सीट पे बैठा था। हम लोग हमारा काम खत्म करके शाम को जा रहे थे, तभी भी वो वहीं पे रुका था। अच्छा, उस टैक्सी का नंबर देखा आपने? नंबर नहीं सर। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। जी थैंक यू सर। उस काली पीली टैक्सी जीप का पता करना होगा। आप जी। अच्छा, उस पैच वाले आदमी का कैच बन गया? गुड, ठीक है, ओके, चलो। नहीं सर, इस आदमी को शहर में कोई नहीं जानता सर, ये मैं आपको कह सकता हूँ। ये जरूर बाहर का ही होगा, कोई भी नहीं पहचानता इसे। सर इसके बारे में पता कैसे चलेगा? सर इस आदमी को ढूंढना ऐसा है जैसे सूखे कुएं में से पानी निकालना। अब तय के रास्ता वो क्या सर? ढूंढते हैं जब तक इसके बारे में पता नहीं चल जाता। चलो, आपने इसको देखा? इसे तो जानता हूँ मैं, ये तो अपना हर्ष है। कौन हर्ष? ये गहने बनाने का काम करता है, ज्वेलरी डिजाइनर है। ज्वेलरी डिजाइनर? कहाँ मिलेगा? वहाँ पे आगे जाके एक ज्वेलरी शॉप है, नाम उसका रैना ज्वेलर्स, वही बता पाएगा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। आइए, क्या दिखाऊं बताइए। हमें कुछ नहीं देखना है, आप जरा इस आदमी को देखें। ये तो अपने हर्ष का स्केच है। आप लोग कौन? हम लोग CID से हैं। CID? इस आदमी को ढूंढ रहे हैं। क्या हो गया सर, आप लोग क्यों पूछ रहे हैं इसको? ये देखिए, कल दोपहर के बाद हर्ष इनसे मिले थे। ये आप जानते हैं इसे? हाँ सर। कैसे जानते हैं? अंगूठी बनवाने के लिए आए थे। अंगूठी? कहाँ है वो अंगूठी? वो अंगूठी कल सुहान जी शाम को ही लेकर गए। दरअसल सुहान जी को अलग तरह की अंगूठी चाहिए थी, अपने हर्ष ने ही वो डिजाइन की थी अंगूठी। अच्छा,
वो डिजाइन हम देख सकते हैं? हाँ सर, देखते हैं। इस तरह की अंगूठी है। ये जो अंगूठी है ये तो नीचे से खुलती है, इसमें बॉक्स बना हुआ है। जी सर, कमाल है ना। पुराने जमाने में राजा महाराजा ऐसी अंगूठियां पहनते थे और ये जो बॉक्स है उसमें जहर रखते थे। बिल्कुल सही पहचाना सर आप। अभी कहाँ हर्ष? कल शाम सुहान जी के साथ ही गया था, इस समय तक दुकान पे आ जाता है। आने वाला होगा? आता ही होगा। ठीक है, मिल लेते हैं इससे। मार्केट मार्केट मार्केट, चलो चलो चलो, मार्केट 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 मार्केट, चलो मार्केट मार्केट मार्केट। आइए 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 सर, बैठिए। कहाँ मार्केट जाना है? कहाँ जाना है आपको? डैम जाना है। डैम जाना है? आप लोग नए क्या इस शहर में? हाँ। अरे वहाँ तो कुछ नहीं है देखने के लिए, बैठिए ना गाड़ी में, मैं आपको अच्छी अच्छी जगह घुमाऊंगा फिराऊंगा। देखिए भाई साहब, हमें तो डैम ही जाना है। अरे माफ कीजिए, मैं नहीं जाता डैम। आप नहीं जाओगे तो और कौन जाएगा? अरे वो भीखू जाता है। भीखू? कौन है भीखू? अरे वो भीखू हमारा दूसरा साथी वाला है, टैक्सी चलाता है वो। अच्छा, क्या भीखू हमेशा डैम की ही सवारी लेकर जाता? नहीं मैडम जी, आजकल जाने लगा है वो। अच्छा, ये भीखू कल डैम की तरफ गया था? कल? हाँ कल गया था वो, भीखू गया था कल। लेकिन आप लोग इतना क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। वो देखो आ गया वो। थैंक यू। हाँ अरे भीखू देख जरा। अरे बघू ना तिकड़े। हाँ सर। डैम जाना है? डैम तो नहीं जाएगा सर। नहीं जाएगा? कल तो गया था ना। कल? हाँ। आप लोग कौन हो? सीआईडी। सीआईडी? कहाँ तक भागेगा? कहाँ तक भागेगा? सर सर सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, माफ कीजिए सर, मुझे सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। हमारी शक्लें इतनी भयानक है जो हमें देख के भागने लगा तू? मैं आप लोगों को देख के डर गया था सर। सच सच बता, क्या हुआ था कल वहाँ डैम पे? सर सर, उस दिन दो लोगों ने मेरी टैक्सी बुक की सर, उन्होंने मुझे डैम पे बुलाया सर, मैं वहाँ जाके उनका इंतजार करने लगा सर। वो आए सर, मैंने उनसे पूछा कहाँ जाना है, तो कहने लगे कि थोड़ी देर और रुको, और कोई आने वाला है। क्या वही आदमी था जिसके लिए वो लोग इंतजार कर रहे थे? हाँ सर, वही यही था सर। सर ये आया, दरअसल वो लोग इसे कोने में लेके गए सर, उनके बीच बहुत बहस हुई, बाद में सर उन्होंने उसको बेहोश कर दिया और सर मेरे टैक्सी में डाल दिया सर। फिर क्या हुआ? सर मैंने उनको ले जाने को मना किया, पर क्या करता सर, उन्होंने बंदूक निकाली और मुझे जान से मारने की धमकी दी सर। क्या करता सर, मैं ले गया उनको। कहाँ ले गए उसे? सर वो पुराने वाले खंडर के वहां उतार दिया मैंने उनको। चल ले चल मैं वहां। रुबी, ये वाली अच्छी ना रिंग? पंकज, ये जेंट्स है, लेडीज नहीं। अरे तो ये देखो, ये वाली, ये वाली ये अच्छी। क्या देख रहे हो? अंगूठी सर, ऐसी देख रहे हैं, आप भी ले लीजिए ना एक। मैं क्या करूंगा अंगूठी लेके? अरे तारिका जी है ना। हर्ष, इधर 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 है सुहान, कहाँ है वो? ये क्या तरीका है? ये सीआईडी का एक और तरीका है। सीआईडी? लेकिन मैंने क्या किया है? जितना पूछे उतना जवाब दो, समझे? लेकिन आप मारोगे तो नहीं ना? सही जवाब दोगे तो क्यों मार खाओगे? तुम कल सुहान के होटल में गए थे, फिर तुम दोनों यहाँ पर आए थे? जी सर। क्यों क्यों गए? उन्हें उन्हें अंगूठी बनाने की जल्दी थी, मैंने अपना पूरा काम छोड़कर उनकी अंगूठी बनाई, लेकिन वो अंगूठी लेने के लिए नहीं आए। मैं उनके पास गया, उनसे बोला कि अंगूठी ले लो, नहीं तो मैं किसी और को बेच दूंगा, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। एक तो वो खुद नहीं ले रहे, दूसरों को बेचने भी नहीं दे रहे। मेरा पैसा अटका था साहब, उसके ऊपर ये सेठ मेरे सिर के ऊपर बैठा था। ठीक है ठीक है, फिर यहाँ से अंगूठी लेके सुमन तुम्हारे साथ गया था? जी सर। कहाँ गए थे तुम दोनों? मैंने उनसे कहा कि मैं आपको होटल तक छोड़ता हूँ, लेकिन वो बोले नहीं, मैं बीच रास्ते में ही उतर जाऊंगा। बीच रास्ते में? कहाँ पे? वो जो मेन रोड है ना सर, वहीं पर। वहां से कहाँ गए? पता नहीं सर, मैंने नहीं पूछा। अरे यार सोच के बताओ, वहां पे किसी से मिला था सुहान? कोई ऐसी बात याद आ रही है जिससे पता चले कि वो कहाँ जाने वाला था? हाँ सर, उसने फोन पे किसी से बात की और उससे कहा वहां पहाड़ी के ऊपर गुफा है, वहीं मिलने को कहा।
तुम सतारा से बाहर नहीं जाओगे, समझे? जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे। निकलो। ठीक है। उस गुफा में चल के देखते हैं। पूर्वी, वो जो अंगूठी तुम देख रही थी वो अच्छी है, उसको ले लो, मुझे चाहिए वो। सर यहीं पे उतारा सर मैंने उनको। कहाँ लेकर गए उसे? पता नहीं सर, वो फोटो वाले बेहोश आदमी को उन्होंने उठाया, मुझे वापस जाने को कहा, मैं लौट गया सर। ओ, या मानसले इकड़े बघितलं होतं का काल? नाही साहेब। नाही नाही बघितलं। टैक्सी में यहां तक आए थे, इसका मतलब यही कहीं होना चाहिए आसपास। जरा देखो। अजय ऐका ना, एक मिनट। हे बघा, ह्यांना कुठे पाहिलात का? नाही पाहिले। श्रेया, निखिल, मर चुका है। ये देखो, इसकी आंखें निकाल ली गई हैं। सर के पीछे चोट लगी है, सर पे वार किया गया। सर शायद अंगूठी इसके पास। अंगूठी इसके पास नहीं है। सर इसका मतलब सुहान के पास उन गुंडों को भी अंगूठी नहीं मिली होगी, इसलिए उन्होंने इसे मार दिया। और वो अंगूठी दीपिका से मांग रहे हैं। सर लगता है वो अंगूठी सुहान ने कहीं छुपा दी है। अगर सुहान ने वो अंगूठी कहीं छुपा दी है तो ऐसा क्या हो सकता है उस अंगूठी में जिसकी वजह से सुहान ने अपनी जान दे दी? सर हर्ष के मुताबिक सुहान किसी से यहां मिलने को कह रहा था। गुफा में देखते हैं, शायद इस गुफा में वो अंगूठी मिल जाए। सर इस गुफा में अंगूठी ढूंढना ऐसा है जैसे सूखे घास के ढेर में सुई ढूंढना। पंकज, सीआईडी में एक कहावत, काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, करना है तो करना है। चारों तरफ देखो। Thank you.
पंकज पूर्वे सर अरे कमाल हो गया सर बॉक्स में रिंग और रिंग में बॉक्स अब देखें है क्या इस रिंग्स के बॉक्स में के लिए इतना हंगामा मचा है सर इसमें तो कुछ भी नहीं है तो मतलब हमसे पहले कोई यहां पर आया और इसके अंदर जो कुछ था गायब पर सर ऐसा क्या हो सकता है जो इतने छोटे से बॉक्स में आए कुछ काला काला दिख रहा है शायद डॉक्टर साहब की कुछ मदद कर सके क्या पता चला डॉक्टर साहब 24 घंटे पहले सुहान अपनी जान गंवा चुका इसके सर पर एक गहरी चोट लगी जिसकी वजह से इसका ब्रेन हेमरेज हो गया और वो मर गया और वो अंगूठी उसे कुछ पता चला दो मिनट देर में तो तारिका जी सब बता देती हैं। कुछ कहा तुमने नहीं क्या पता चला आपको मैं समझता हूं तुम क्या सोच रहे हो अरे कमाल है इस अंगूठी में तो ये ये कोई साधारण इंक नहीं है ये खास इंक है जो इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट इस्तेमाल करते हैं सर आर्किटेक्ट्स वो नक्शे बनाते हैं मैप्स उनमें इस्तेमाल होती है सर हो सकता है इस रिंग में किसी जगह का मैप वगैरह छुपा के रखा है सुहान ने हो सकता है उस मैप के चक्कर में इस सुहान की जान चली गई किस चीज का नक्शा होगा जिसे छुपाते छुपाते ये सतारा तक आ गया और फिर उसके लिए अपनी जान भी दे दी सुहान के बारे में और जानकारी निकालनी पड़ेगी ये काम क्या करता था और सर इस अंगूठी का क्या करें इसमें तो जो था वो गायब हो गया उन मुजरिमों के प्लान के मुताबिक दीपिका इस अंगूठी के लेकर उस जगह पर जाएगी जहां पे उसे बुलाया गया ठीक है जैसे ही दीपिका के पास मुजरिम पहुंचेंगे हम दबोच लेंगे उन्हें ये रही वो अंगूठी जो सुहान को अगवा करने वाले लोगों को चाहिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों की वजह से मेरे पति की जान बच जाएगी इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है आपकी मदद करना हमारा फर्ज है आप ये लीजिए देर मत कीजिए जल्दी जाइए हेलो श्रेया देर हो गई अब तक दीपिका और श्रेया को यहाँ पहुंच जाना चाहिए सर पता नहीं इतना वक्त क्यों लग रहा है कुंडे भी कहीं दिख नहीं रहे जिन्हें अंगूठी लेनी थी दीपिका से कम उन्हें तो यहाँ होना चाहिए था कहीं गुंडों को हमारे प्लान के बारे में तो नहीं पता चल सर अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो श्रेया हमें फोन जरूर करती मैं फोन करता हूँ श्रेया को मिल जा रही है फोन नहीं उठा रही सर शायद आसपास गुंडों का कोई आदमी हो जिसे शक हो सकता है कि वो दीपिका का पीछा कर रही है श्रेया को हाँ श्रेया कहाँ हो तुम श्रेया नहीं मैं बोल रहा हूँ हाँ एक मिनट कौन बोल रहे हो तुम श्रेया कहाँ है वो बेहोश पड़ी है मेरे सामने रोड पे बेहोश पड़ी क्या हुआ उसे क्या किया तुमने अरे अरे
अरे अरे मत करो, तुम्हारे साथ में एक सीआईडी ऑफिसर है, अगर उसे कुछ हुआ ना तो पट्टे से मार मार के तुमको ऊपर से नीचे तक लाल कर देंगे। अरे साहब मेरी बात तो सुनिए, ये बेहोश पड़ी थी और मैं इनकी मदद कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से आइए यहाँ। क्या हुआ क्या उसे? पता नहीं साहब कैसे बेहोश हो गई, आसपास कोई था भी नहीं। इतने गुंडे दीपिका को ले गए, आप वहीं रहिए हम लोग आते हैं। कहाँ पे आप, कौन सी जगह है ये? गया मैडम, गया 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 मैडम, पानी गया। बड़ा वाटते ना आता मैडम, मैंने आपके फोन से सीआईडी वाले को फोन किया है, वो अभी आ रहे हैं। मैं तुमसे खूब आभारी है, थैंक यू। तुम ठीक हो? हाँ सर। श्रेया, आपने ही फोन किया था? जी सर, इनके फोन से मैंने फोन किया था। बहुत अच्छा काम किया आपने। सर आप जो देश के लिए इतना कुछ करते हो तो हमसे ही काय करते हुए बनता साहब। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जा सकते हैं। सर मुली निकू। श्रेया, दीपिका कहाँ है? मैं दीपिका का पीछा ही कर रही थी। लेकिन एक कदम भी आगे बढ़ा तो इसे गोली मार देंगे। चाहते क्या हो तुम लोग? हाँ चाहते क्या है, बड़ी जानने की जल्दी है। चलो चलो अंदर अंदर बैठो। दीपिका की जान खतरे में होगी, हमें किसी भी तरह उसे बचाना होगा सर। ये सब उस मैप के चक्कर में ही हो रहा है। सलोता, दीपिका को भी लोग उसी चक्कर में उठा के ले गए अपने साथ। ये कैसा मैप है, क्या हो सकता है इस मैप में? कोई ना कोई खास बात तो होगी। दे हाँ सचिन। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ओके, हम लोग देखते हैं। यार ये सुहान उन आर्किटेक्ट्स में से एक था जिन्होंने भीमानी जैसरगढ़ में छुपा हुआ तहखाना बनाने में मदद की थी, जहाँ पे सरकारी खजाना रखा हुआ है, वो कीमती जवाहरात और बेशकीमती मूर्तियाँ। तो कहीं वो मैप छुपे हुए तहखाने का तो नहीं, और वो उन गुंडों के हाथ तो नहीं लग गया? हो सकता है गुंडे दीपिका को वहीं पर लेके गए। जल्दी चलो भीमानी जैसरगढ़। जैसरगढ़ जगह तो यही है, खजाने के चक्कर में वो लोग इधर ही होंगे, ढूंढते हैं उनको।
जल्दी खोदो, जल्दी हाथ चलाओ, इतना टाइम नहीं है अपने पास। अरे यार थोड़ा टाइम लगेगा, तहखाने तक सुराग बनाना यार कोई बच्चों का खेल नहीं है। अरे सीआईडी भी अपने पीछे लगी है, सोचो तो। पीछे नहीं, सीआईडी सामने खड़ी है। बंद करो ये सब, पकड़ो इधर। लो यार आ गई सीआईडी। कौन है इसके पीछे? मैं हूं। यहीं रुक जाओ वरना मैं ऐसे गोली मार दूंगी। दीपिका, दीपिका होश में तो हो तुम? क्या कर रही हो, गन नीचे करो। सर ये अबला नारी नहीं है सर, ये इस जुर्म की असली जुलारी है सर। बिल्कुल सही कहा, सुहान मेरा कोई पतिवति नहीं था, ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं नक्शा पा सकूं और उस नक्शे के जरिए सरकारी ज्वेलरी और मूर्तियां उन्हें हासिल कर सकूं मैं। ओह, तो दुखियारी बन के हमारी आंखों में धूल झोंकती रही। बिल्कुल, वैसे मुझे तो सीआईडी को थैंक्स बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच, आखिर तुम लोगों की मदद से ही तो मुझे अंगूठी और इस तय खाने का नक्शा हासिल हुआ है। कहाँ भाग रहे हैं? चल। खेल खत्म हो गया तुम्हारा, ले चलो सबको। सर वो दया सर कहाँ है? दया? दया कहाँ? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.